अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शाम के 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानन ब्रोह अख नजर चन खास खास खबरन पे। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। राहुल गांधी सिंह तरफ शुरू करने आम भारत जोड़ो यात्रा वादी वह डिग्री कॉलेज अनंत नागस में राहुल गांधी पड़ाव त्रव पगह श्रीनगर कुन यात्रा रवान सपदन उम्मीद। कांग्रेस पार्टी हिंदी सियासी मौक़े सत काट मुल्क में भाईचार कायम करने सवाल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल उमर अब्दुल्ला। तो वादी में इंतजामिया इनदामी कार्रवाई बदस्तूर जारी शुपियन में सबक वजीर सुन शॉपिंग कम्प्लेक्स मुनदम। तो नाजरीन पेश खबर तफसील। भारत जोड़ो यात्रा ये आज सुबह दो दो पत रामबन पे शुरू सपज यथ मज राहुल गांधी तो कांग्रेस लीडरों अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोमो लीडरों तो वर्करन हिंद बड़ी तदाद शिरकत कर तत वो दोपहर ब्रोह यह यात्रा वादी या दौरान कजगुंडस में सियासी वर्करन हूं अख बोड तदाद अत्रा में शामिल सपोद। यपर डाक बंगल अनंत नागस में कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्करण आमुत यह दौरान राहुल गांधी वोन जोदवे तम यह यात्रा पैदल करें ताहम आज सिक्योरिटी वजूहतों कि तम गाड़ी में कैं किलोमीटर सफर करनस पे मजबूर सपदम तय पाओ चतस ज राहुल गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंत नागस में वनकन तो पगह सपद सुबह अनंत नाग पे श्रीनगर कुन ये यात्रा रवान। आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं रस्सियों को मैनेज करते हैं वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। यपर प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जयराम रमेश तो गुलाम अहमद मीरन सिक्योरिटी हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया पजि दुबारा सिक्योरिटी हूं जायजे हूं युत जन यह यात्रा खुश असलूबी सान इख्तिताम सपद। देखो जो आपने सवाल बताया एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग आज के दिन में यूटी में मेरे ख्याल से अब पूरे देश ने देखा। कल तक हम चला रहे थे हमारे जैसे और बहुत सारे लोग चला रहे थे समझ नहीं आता था। आज इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट को सबटाज करने की कोशिश है तो ये एक अधिकारी नहीं कर सकता है। इस अधिकारी को जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है ये कहीं बड़ी लेवल पर ऊंची लेवल पर एक सोच समझ के ऐसा वातावरण बना गया और ऐसी डायरेक्शन हो सकती है जो नीचे वालों को इंप्लीमेंट करना पड़ा। अदरवाइज उसमें जाती तौर में बहुत ऑफिसर उसको जानता हूं जिन्होंने पिछले 15 दिन से कंटिन्यू ये कहा कि वी विल फैसिलिटेट जो भी जरूरत होगा। मगर कल शाम से लेकर सुबह तक ये सारी चीजें जो चेंज हुई और जो आज वहां मौके पर आपने देखा तो ये तो कंप्लीटली डिजास्ट्रस था। पूरे देश से 200 भारत यात्री 5.5 महीने से चल के आ रहे और उनके साथ चलने वाले राहुल गांधी जी और उनके बैकग्राउंड को ऑलरेडी हम कई सारे नुकसान उठा चुके हैं। इंदिरा जी का हमने नुकसान उठाया, राजीव जी का हमने नुकसान उठाया तो हम लोग भी हैंड्स अप कर गए। यात्रा तो चलती रही मगर पहले हमें अपना लीडर बचाना है। आई वॉज सरप्राइज, मैं ऑर्गेनाइजर था, मैं जिद भी कर सकता था, नहीं राहुल जी आइए हम आपके साथ में।
मगर सिक्योरिटी रिस्क कोई नहीं ले सकता था, जान सबसे प्यारी है। तो इसलिए जो चीज आज वहां हुआ, जो तरीका हुआ, हम इसको हाईली कंडम करेंगे और अपील करेंगे आने वाले 4 दिन कश्मीर के अंदर उनको सुधारने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, यह हमारी अपील होगी। मैं एक चीज और कहूंगा इसके बारे में, जो राहुल जी ने भी इसका जिक्र किया, अंतिम क्षण तक राहुल जी चलना चाहते थे, अंतिम क्षण तक, पर उनको एक निर्णय लेना चाहिए था। जो निर्णय उन्होंने लिया उनके सुरक्षा सलाहकारों के आधार पर ही, जो उन्होंने कहा गया, सलाह दी गई, उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। पर अंतिम क्षण तक वो चाहते थे कि वो जो 12-13 किलोमीटर बाकी हैं वो चले, पर सुरक्षा सलाहकारों ने कहा बिल्कुल नहीं चल सकते आप, और तभी वो गाड़ी में बैठकर निकल गए, हालांकि जो भारत यात्री हैं वो चलकर आए। यह पर उमर अब्दुल्ला यात्रा में शामिल सपदन ब्रोह जरा इबला के नुमाइंदन से कत कर वोनम दफा 370 हवाल क्या कांग्रेस पार्टी हूं सियासी मौकुफ, ताहम यात्रा मुल्कस में नफरत दूर करनस तो भाईचार गोड बरनस हवाल शुरू करना आम तो तम रोजन अत हिमायत करान। और ऐसे हालात में इस तरह मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट जो है, ये और ज़्यादा मायने रखती है। मैंने ले जाऊंगा आगे जनाब, कश्मीर में भी, बाकी मुल्क में तो हमने इस यात्रा में बहुत ज़्यादा हलचल देखी, कश्मीर में बहुत उत्साह है और काफ़ी जोश है लोगों में इस यात्रा को लेकर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 30 तारीख को जब इस यात्रा का क्लोजिंग सेरेमनी होगा तो अच्छी खासी तादाद में लोग उसमें शिरकत करें। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी की जो ओवरऑल इमेज है वो भी इस यात्रा से काफ़ी चेंज हुई है? अब मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा अपनी इमेज को बदलने के लिए, जहाँ तक मैं राहुल को जानता हूँ, अगर उसने इस यात्रा को लीड किया वो सिर्फ इसलिए किया कि वो वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं। वो परेशान हैं इन ये आज के हालात देख के, और हम वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के भारत के हालात को देख के परेशान हैं, जिस तरह के मज़हब ही तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह के माइनॉरिटीज को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी, लेकिन आज गवर्नमेंट के तरफ से, रूलिंग पार्टी के तरफ से एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान नहीं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये शायद आज़ादी के बाद पहली मरतबा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत में 15% आबादी का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसी से आपको पता चल जाता है कि ये कहें जो कहें, ये लाख कोशिश करें अपनी दोस्ती अरब मुल्कों के साथ बनाने की, और ये बनाते भी हैं, लेकिन जो असली हालात मुसलमानों के हैं उस तो आपको हुकूमत देख के पता चल जाता है। जिस हुकूमत में कोई मुसलमान नहीं, उसी से आपको पता चल जाता है कि इनका रवैया क्या है। तो जो आपने सवाल पूछा, ये यात्रा राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को बनाने के लिए नहीं किया, ये यात्रा अगर राहुल गांधी जी ने निकाला तो मुल्क के हालात को बेहतर करने में, इसलिए हम जुड़े हैं। हम यहाँ किसी एक फर्द की इमेज के लिए नहीं, इस मुल्क की इमेज के लिए हम एक साथ हैं। तो स्टेट फॉर रेस्टोरेशन की बात की राहुल गांधी ने, लेकिन आर्टिकल 370 के हवाले से कुछ यहाँ, ये वो कांग्रेस की अंदरूनी बातचीत। मैं तो आज भी मान के चलता हूँ कि 370 जम्मू कश्मीर की वो हमारी विरासत कम और कांग्रेस की विरासत ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करेगी, उनकी सियासी सोच क्या रहेगी, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, स्टेटहुड तो हमसे कभी छीना नहीं जाना चाहिए, कोई जवाजियत नहीं थी जम्मू कश्मीर को यूपी बनाने, लेकिन बना दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें दोबारा स्टेटहुड हासिल हो। 370 की लड़ाई हम अदालत से में लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हुकूमत कोशिश कर रही है कि अदालत में सुनवाई ना हो, उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा केस जो है वो इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत। सर चुनाव में भी जाएगी क्या एनसीओ कांग्रेस? नहीं, आप चुनाव का भी आपने सुना है, चुनाव है, चुनाव कब होंगे ना? 8 साल हो गए चुनाव नहीं हुए यहाँ पे, 8 साल
ये पहली मर्तबा है कि इतना लंबा अरसा रहा है असेंबली इलेक्शन में। ये तो मिलिटेंसी के सबसे ख़राब दिनों में भी हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। 8 साल जनाब, इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए, अब 2023 शुरू हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन के लिए भीख मांगें, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं, हम हाथ नहीं फैलाएंगे इस इलेक्शन के लिए। इलेक्शन जब होंगे तब देखी जाएगी। उमर साहब, वादी कशीर में यदि इंतजामिया तरफ इनदामी कार्रवाई तेज करने आमच ये दौरान आम लूकन सियासी लीडरन खिलाफ ये कार्रवाई शुरू सपज तो कह दो ब्रो हमो बडगमस मं बकवल सरकार अली महमद सागर सुंद सरकार जमीन पे नाजायज कब्जा हटा आव तत् आज कार्रवाई दौरान शुपियनस मं इंतजामिया तरफ सबक रियाती वजीर तो पी डी पी लीडर गुलाम हसन खान सुंद शॉपिंग कम्प्लेक्स मुनदम कर आमुत ये जन मौकस पे मौजूद जिम्मेदारों तरफ वन आव आला हुकामों तरफ चु फरमान जारी करना आमुत यथ मज वन आमुत जो गोड़ गज असर रसूख थवन वाले लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यिन पत गज बाकी लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यिन। वर्दी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, वर्दी डिप्टी कमिश्नर शुपियान के आदेश पर हम आज यहाँ पे आए हैं, जो कि मेन टाउन है। यहाँ हमने अपना डिमोलिशन जो है स्टार्ट किया है। ये सर्वे नंबर 534 है, जो कि स्टेट लैंड है, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक खालसा सरकार नंबर दर्ज है, जिस पे लोगों ने गैर कानूनी तौर पर अपना कब्ज़ा किया था। जी, जब हमने इसमें देखा तो जो इस वक्त जो डिमोलिश हो रहा है, जो स्ट्रक्चर जो 4 दुकान की सूरत में है, ये XML का ही है जो हम डिमोलिश कर रहे हैं। एक्चुअली हमें डायरेक्शन आई है कि जो बड़े इन्फ्लेशन पर्सन है, पहले इनका डिमोलिश करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों का करना है। ड्राइव तो हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी जो आप देख रहे हैं ये 4 दुकान मेन आ रहे हैं, बाकी इसमें तकरीबन 20 और 25 के दरमियान दुकान आ रहे हैं, जो कि 2 मंजिला है। ये कि जिन लोगों ने भी स्टेट लैंड या कचरा लैंड पर इनक्रोच किया है, वो खुद ब खुद हटाए, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर इन्होंने किया है। तो हम पाबंद है इस चीज़ की कि हम हर एक इंच जो ज़मीन है, चाहे कचरा स्टेट लैंड जो किसी ने भी खाई है, हड़प की है, जिसमें इनक्रोच किया है, चाहे वो गाँव में हो शहर में हो, ये खुद हटाएँ। बसूरत दिगर हमारा जो अमला है वो जाके इसको मुनहदिम करेगा। नाजरीन कशीर खबरनाम जारी है, तो नमो अख तजारती वक्फ़।